हेलो दोस्तों, आज से अगर बात की जाए 5 दिसंबर 2020, 5 दिसंबर 2020 को मैंने एक वीडियो बनाई थी और 239 लोगों ने, अगर 239 लोगों ने देखी भी थी। किससे रिलेटेड थी? तो वो थी एक बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो एक कंपनी थी, उस टाइम उसका प्राइस कितना चल रहा था? 3135 रुपये उसका प्राइस चल रहा था। और अगर बात की जाए आज की डेट में 3242 चल रहा है। बट नो इशू, मैंने दिसंबर में वीडियो बनाई थी। तो अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 6 मंथ का नहीं, हम 5 डे 1 मंथ का चार्ट पैटर्न लेते हैं। तो जब मैंने बताया था दिसंबर में 3100 के आसपास, तो ये 3700 रुपये तक ये शेयर कंपनी गया था। तो आपको 600 रुपये पर शेयर का विद इन 2 मंथ्स, या कह सकते हैं 3 मंथ्स में, आपको 2 मंथ्स में प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा। ओके, तो ऐसी ही कंपनी एक और लेके आया हूँ जिनका रिलेशन बजाज ग्रुप से है। तो ये बजाज होल्डिंग जो ये कंपनी है क्या करती है? तो इसका इन्वेस्टमेंट है किस में, कंपनी में है? तो इसका इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो में। तो ऐसी ही एक कंपनी हो रहा है जिनका रिलेशन है बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ऑटो, बजाज होल्डिंग, इन सभी कंपनी के साथ में इसका संबंध है सीधा। और जब ये शेयर बढ़ेंगे ना, तो वो शेयर बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। उसके बारे में हम बात करने वाले, बट बिफोर दैट हम उसके बारे में बात करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में। आप सभी का चैनल है और हम इस पे डेली वाइज, आपको पता ही है, अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं अच्छे अच्छे शेयर से रिलेटेड, और आपको बताते हैं, और अच्छे खासे पैसे लोगों ने बनाए भी है जिन्होंने फॉलो भी किया है। तो अगर सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। हमें एक फैमिली बनानी है ताकि हम एक ग्रुप भी बना सके और उस ग्रुप में हम लोगों को और भी एजुकेट कर सके। तो उस फैमिली बनाने में हमारी मदद करिए, हमारी, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। तो आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारी एक अच्छी खासी फैमिली होगी। वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर करें ही, बाकी ये हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका श्री राम जी का जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है अयोध्या में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक पुण्य काम में मदद करिए और अच्छा काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला भी हमारी मदद करेगा। ओके, और अभी मैंने एक वीडियो बनाई है अडानी ग्रुप से रिलेटेड कि अडानी ग्रुप के कौन से शेयर खरीदूँ। आपको पता है कि 6 शेयर लिस्टेड है उसमें, वो वीडियो को जाके देख लेना यहाँ, अगर मैं आपको दिखा दूँ। अभी मैंने डाली है, ओके, 3 मिनट पहले ही। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा एक और वीडियो डाली है, मार्केट से डर लगता है, तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, अच्छे खासे आपको प्रॉफिट कैसे करते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में 1% की गिरावट है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिली है। अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कभी ये शेयर कितने रुपये का चलता था, 26, 27, 20 रुपये के आसपास चलता था। और इसके पेंडेमिक से पहले की बात करें तो पेंडेमिक से पहले ये शेयर कितना, 5, 4500 के आसपास, 4700 के आसपास ये शेयर चला करता था। अगर यहाँ पर देख लीजिए 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में हम कभी नहीं देखते, बट अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ्स में लॉस है, बस 6 मंथ में 25%, 1 साल में 87%, और अगर बात करें 10 साल, तो 10 साल में इसने 1000% के रिटर्न आपको दिए है। ओके, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और इसका जो रिलेशन है ना, इसका रिलेशन है बजाज फाइनेंस, इसका रिलेशन है बजाज फिनसर्व, इसका रिलेशन है बजाज ऑटो। तो कौन सी कंपनी है, किस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ वो हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती आई है हर बार, एज वेल एज बोनस की बात करें तो कंपनी 3 बार बोनस भी दे चुकी है, 97, 90 और 87 के आसपास कंपनी 3 बार 1:1 का बोनस दे चुकी है। तो बोनस देने के बाद कंपनी 4500 के आसपास लगभग कितने का भाव चल रहा है, तो अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी 3600 रुपये के लेवल पर चल रही है। अगर यहाँ पर देखें लो तो 1800 रुपये पे शेयर आया था, और 2 फरवरी को, मतलब 1 महीने पहले लगभग, यहाँ पर 4399 रुपये का इसने 52-week हाई अगेन मारा था। अगर बात करें डिलीवरी, तो लगभग 70% की डिलीवरी, 4000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे, तो मतलब कोई भी जो शेयर होल्डर है ना, वो अपने शेयर बेचना ही नहीं चाहता इस कंपनी में, क्योंकि इतनी अच्छी ये कंपनी है। और कोई आपको बताएगा भी नहीं इस कंपनी के बारे में, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है
बता देंगे, अगर फिर टीवी वाले बता देंगे तो फिर वो कमाएंगे कैसे। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 51% के प्रमोटर्स है के पास शेयर है, 49 पब्लिक के पास है, और प्रमोटर कौन है उसके बारे में बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इंटरिम डिविडेंड देख लीजिए, 50 50 रुपये का डिविडेंड दिया है 3 मार्च को, ओके 2019 में 11 जुलाई को 33 रुपये का, 2018 में 33 रुपये का। तो अगर देखिए डिविडेंड बढ़ रहा है, जब कंपनी डिविडेंड बढ़ते हुए मैनर में देना तो समझ लेना कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है, कंपनी के पास पैसे है तभी दे रही है, वरना कोई भी कंपनी ऐसे ही डिविडेंड नहीं बांट देती। प्लेजिंग की बात की जाए तो कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की, कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कंपनी का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड है। तो ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा, आप देख लीजिए महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड कितनी छोटी कंपनी है। मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 4175 करोड़ रुपीस की ये का मार्केट कैपिटल, छोटी कंपनी है। एक कितना बड़ा प्राइस है, बुक वैल्यू देखिए 9600 रुपये के आसपास, 9600 75 में 9675 की बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू से 3 टाइम्स नीचे चल रहा है, ओके 3 टाइम्स मतलब 3653 रुपये का। डेट इक्विटी रेशियो देखे तो कोई भी, मतलब डेट तो है ही नहीं कंपनी का, डेट फ्री है, कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना इसके एक फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स, देखिए कंपनी के सेल्स यहाँ पर 4000 मतलब 4000 करोड़, 4 करोड़ रुपए के सेल्स है कंपनी। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है। छोड़िए इसे, इस चीज़ को भी अगर हम नहीं माने, हम इस चीज़ को तो मैं दिखाना ही नहीं चाहता आपको, इस चीज़ को भी बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसी के बेस पे हम यहाँ पर सब चीज़ डिसाइड कर लेंगे। बट कंपनी देखिए प्रॉफिट कर रही है, वो छोड़िए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रही है, कोई परेशानी नहीं है। बट यहाँ पर रिजर्व्स देख लीजिए, कंपनी के पास 11000 करोड़ के रिजर्व्स है, कोई भी बोरिंग नहीं है, इतने ही करोड़ रुपए की इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगर बात करें यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की, तो देखिए 56 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की, तो यहाँ पर आता है मेन किस्सा। तो प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसके पहले मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कंपनी है, जिसने शेयर ले रखे है किसके, बजाज फिनसर्व के, बजाज ऑटो के, तो वो इसमें प्रमोटर है, ओके। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर 1 मिनट, FIIs के पास 4.63% की होल्डिंग है, DIIs 3% की, और पब्लिक के पास 41% की होल्डिंग हमें नज़र आती है। और पब्लिक का 41 भी नहीं है, यहाँ पर अगर हम काउंट करना शुरू किया तो लगभग लगभग 30% की होल्डिंग पब्लिक के पास हमें नज़र आती है। तो अब मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो इस मेन रीज़न ये है कि ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 4175 करोड़, मतलब कितना 4175। बट हम अब एक सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर देखिए, ओके यहाँ पर देखेंगे सरप्राइजिंग चीज़, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपके सामने दिखा रहा हूँ कैसे ये चीज़ निकलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, ओके ये कंपनी ने किस किस कंपनी के शेयर लेके रखे, तो देखिए बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, बजाज होल्डिंग, कितने कितने, तो बजाज ऑटो में 2.34% की हिस्सेदारी है, बजाज फाइनेंस में 3% की, बजाज फिनसर में 2% की, और बजाज होल्डिंग में 3% की हिस्सेदारी इस कंपनी की है। अगर बात की जाए बजाज ऑटो, बजाज फिनसर, इन सब की अगर हम बात करेंगे ना, तो इनका जो मार्केट कैपिटल है लाखों और थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज़ में है। अगर हम यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ ना निकाल के, एक में होल्ड करिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये सब कुछ निकाला है। तो बजाज ऑटो का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़ का 2% भी आप निकालते हैं तो आप खुद काउंट कर लीजिए कितना होता है, 2000 करोड़ रुपए होता है, ओके। अगर बात करें यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 3% की हिस्सेदारी है, इसका 3% कितना होता है, 9000 करोड़ रुपये होता है। और इसका यहाँ पर देख लीजिए 1,46,000, इसका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, इसका भी लगभग 4000 करोड़ रुपए होता है। और यहाँ पर देखेंगे बजाज होल्डिंग में 38 करोड़ रुपए, मतलब इसमें भी 3% की हिस्सेदारी है, तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास, यहाँ तो 1000 करोड़ प्लस में, यहाँ पर देख लीजिए 4000 करोड़, 5000 करोड़, और यहाँ पर देखिए 9000 करोड़, 5 और 9 14, और यहाँ पर देखिए
2 करोड़ के आसपास, तो मतलब लगभग 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ पर इसका मार्केट, मतलब इस कंपनी का अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 4,175 करोड़, मतलब 4,000 करोड़ की कंपनी है, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट है 17,000 करोड़ के आसपास का है, 16-17 हज़ार करोड़ रुपये। तो अगर ये कंपनी अपने आप को शेयर बेचना शुरू करती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके पास कितना पैसा आएगा। तो जो इसकी बुक वैल्यू है ना 9,675, तो यहाँ पर आपको 3,000 का इतना शेयर है, अगर एक शेयर लेंगे तो यहाँ पर आपको इतना पैसा तो ये कंपनी ऐसे ही दे देगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए, जब इसने शेयर किसके लिए रखे हैं, इसने शेयर ले रखे हैं बजाज ऑटो फिनसर फाइनेंस होल्डिंग के। तो जब जब ये शेयर बढ़ेंगे, आपको पता है कि बजाज ऑटो भी बढ़ेगा, आपको पता है बजाज फाइनेंस अपने में लीडिंग कंपनी है, ये भी बढ़ेगा, बजाज फिनसर भी बढ़ेगा और बजाज होल्डिंग भी बढ़ेगा। जब ये सारी कंपनी बढ़ेंगी, ओके, इनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड का भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। और जब इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर नहीं रहने वाला, तो इसका प्राइस जब धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर 1-2 साल का मेरा टारगेट रखा, अगर बजाज फाइनेंस भी अगर यहाँ से 30%, 40%, 20% का भी रिटर्न्स देता है ना, तो आप समझिए यहाँ पर ये रिटर्न यहाँ पर आता हुआ आपको दिखेगा। इसलिए कंपनी डिविडेंड कितना देती है, प्रॉफिट देखिए, कंपनी बिजनेस कुछ नहीं कर रही, यहाँ से 4,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, 2 करोड़ रुपए का, सॉरी 2 करोड़ रुपए का, या 4,000 करोड़ का, चार चार का करोड़ का बिजनेस और 2 करोड़ का प्रॉफिट, ओके। बट कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड दे रही है 50-50 रुपये, 33-33 रुपये। कैसे दे रही है, इसलिए दे रही है क्योंकि यहाँ से इसे डिविडेंड तो आते ही है। कंपनी का प्राइस इसके पास, इसने होल्डिंग जो ले रखी है ना, यहाँ पर इधर से इसे प्रॉफिट आता है, इधर से इसे पैसे आते हैं। असली ही इज़ मेकिंग मनी बाई इन्वेस्टिंग, जो कि इसने कितने 11,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टिंग देकर दिखाया था ना मैंने आपको, तो इसलिए इस कंपनी की तरफ नज़रें बनाइए। अगर इस कंपनी को मुझे लगता है 2-3 साल रख लिया, तो अच्छा खासा पैसा इसमें आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो बाकी इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें मैक्सिमम, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये है लगभग 4,500। तो देखिए ये तो एक साल के अंदर अंदर आना ही आना है, बट और इसके बाद और भागना शुरू किया तो कंपनी और अच्छा खासा भागेगी और अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो बाकी आपकी मर्जी है, ये जो वीडियो थी एक नॉलेजेबल वीडियो थी, कोई भी पोजीशन लेने की कोई सलाह नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए, ओके। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, मेरे पास जब पैसा आएगा, ओके, तो मैं इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगा, बेशक से थोड़ा सा करूँ बट करूँगा, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके के शेयर ले रखे हैं ना, वो काबिले तारीफ है। इस तरीके की मतलब 4,000 करोड़ की खुद की कंपनी है और 16-17 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो समझ लीजिए आप खुद ही, बाकी आप समझदार हैं मुझसे, तो आप जान जान सकते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि फ़ौरन तौर पर इस तरीके के आपको अपडेट्स मिलते रहे। और इसे हमें एक फैमिली बनानी है, तो उसमें मदद करिए, ग्रो करिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।